लॉकडाउन के तीसरे चरण में गुरुवार को भी देहात और महानगर में चहल पहल दिखी। इस दौरान निर्धारित समय से पहले अनावश्यक घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को पुलिस द्वारा एक एक मीटर की दूरी के घेरे में बैठाकर सजा दी गई। इस संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने बताया कि निर्धारित समय से पहले जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं पहले उनको जागरूक करके वापस कर दिया जाता है। अगर उसके बाद भी कोई निकलता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले, किसी भी आवश्यक सेवा के लिए डायल 112 करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने कहा, पता कहाँ से आ रहे हैं, किस काम से आ रहे हैं। खड़ा होके नोट कराओ। 1 मीटर की दूरी बढ़वा दिया। निर्धारित समय के बाद लोगों को जागरूक करके उनके घरों पर भेजा जाता है, और उसके बाद भी अगर कोई निकल रहा है तो सिर्फ उन्हीं लोगों को निकलने की अनुमति है जिनके पास उस समय में निकलने के पास हैं या कोई आपातकाल है। उसके अलावा अगर कोई निकलता है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अगर आवश्यकता नहीं है और आपके पास अनुमति नहीं है तो नहीं निकलें। अगर किसी प्रकार की सेवा या सुझाव आप देना चाहें या किसी प्रकार की सेवा हमसे अपेक्षित हो तो हमें 112 या किसी अन्य नंबर के माध्यम से हमें अवगत कराएं ताकि हम आप तक उस सर्विस को पहुंचा सकें।